Assalamualaikum, dear students. So I welcome back you in lecture 2 of rotational motion. And the heading here is angular momentum and its conservation. ठीक है, angular momentum and its conservation. आपको पता होना चाहिए कि angular momentum का जो concept है ना, angular momentum बड़ा important concept है. Angular momentum and conservation हम इसी में फिर discuss करेंगे. Angular momentum का concept ये है कि मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल यहां स्पेस में है जिसका मास m है और उसका वेलोसिटी v है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका मोमेंटम p होगा, मास इनटू वेलोसिटी. और आपको इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना है. मतलब यहां पे आपको उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, जस्ट लाइक टॉर्क है ना, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम इसका कैलकुलेट करना है. सो दिस इज द रेडियस वेक्टर, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द दिस पार्टिकल जो मूव कर रहा है विद सम मोमेंटम. तो अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे, तो ये आर कॉस थीटा हो गया, ये आर साइन थीटा हो गया. तो अगर ये r sin थीटा हुआ, तो इसको पीछे एक्सट्रापोलेट करने पे दिस मोमेंटम, मोमेंटम क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम हो गया बराबर मोमेंटम उसका, दैट्स मास इनटू वेलोसिटी, दैट्स p मल्टीप्लाइड बाय r sin थीटा. या आप लिख सकते हैं l होता है बराबर r cross p. So it's cross product of that radius vector and that momentum vector of that particle gives you angular momentum. So jis respect, jis point ke respect mein aapko calculate karna hai, wahan se aapki perpendicular duri pata honi chahiye, multiplied by that momentum will give the angular momentum. Now angular momentum and its conservation, pehle angular momentum hota hai rp sin theta aap likh sakte hain, ya aap likh sakte hain it is r cross p. So that's momentum multiplied by perpendicular distance. Theek hai, to agar aap perpendicular distance, to theta 90 ho jayega, to us case mein ye ho jayega r perpendicular multiplied by p will give nothing but angular momentum. उसके बाद इसका conservation. तो conservation में मैंने यहाँ पे दिखाया आपको that angular momentum हो गया आपका r p sin theta, या angular momentum हो गया r cross p, torque जैसा. और फिर आप जानते हैं बच्चों, you know that आप जानते हैं एक चीज, that अगर आप kinematics की बात, ये root Newton's laws of motion की बात करें, तो force होता है बराबर dp by dt, that force is equal to rate of change of momentum. तो analogy से आप लिख सकते हैं torque is equal to rate of change of angular momentum. तो ये Newton's second law of motion जो है आपके rotational motion में आ जाएगा, torque और angular momentum को connect करते हुए. तो torque होता है rate of change of angular momentum, and if external torque, अगर body पे external torque ही zero है, if external torque is equal to zero, तो L जो हमारा है वो constant होता है, that's called as law of conservation of angular momentum. अगर body पे external torque missing है, तो उस body का angular momentum कमजोर हो रहता है. वही कुछ मैंने यहाँ लिखा है, that torque is equal to rate of change of angular momentum, and if external torque is zero, then L is constant. When L is constant, but you know that हमने पीछे discuss किया that L होता है बराबर I omega, L होता है I omega. तो अगर L constant है, अगर L constant है, तो अगर moment of inertia body का बढ़ेगा, तो angular velocity को घटना पड़ेगा for L to be constant. In the सेम फैशन अगर आपका जो है, अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप एल कंस्टेंट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके एंगुलर मोमेंटम और एंड इट्स कंजर्वेशन के रिगार्डिंग है. तो आप याद रखिए, प्लैनेटरी मोशन जो आप ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, तो उसमें हर जगह आप प्लैनेटरी मोशन में देखेंगे एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो. इसलिए प्लैनेटरी मोशन और सेटेलाइट मोशन में एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंस्टेंट होता है. तो ये प्रोडक्ट आई ओमेगा जो उनका कंस्टेंट होता है. इस पर आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपने एक उस बैलेट डांसर को देखा होता है जो रोटेटिंग टेबल पे आप वो घूमती रहती है, और जब वो अपनी आर्म स्ट्रेच करती है, तो हमसे पूछा जाता है व्हेन सडनली शी स्ट्रेचेस हर आर्म्स, व्हाट हैपेंस टू आवर एंगुलर मोमेंटम. नथिंग, एंगुलर मोमेंटम इज कंस्टेंट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वो खुद रोटेट कर रही है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है. तो एंगुलर मोमेंटम तो उसका कंस्टेंट रहेगा एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होने की वजह से. बट व्हाट हैपेंस टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट विल इंक्रीज, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है. जब आपका एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपका मास जो है वो दूर चला गया, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा. और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रोटेटिंग टेबल पे उस लड़की का बढ़ जाएगा, तो उसका ओमेगा घट जाएगा, उसके एंगुलर वेलोसिटी कम होगी. और जब एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 पाई बाय टी होता है. एंगुलर वेलोसिटी जब घट जाएगा, तो टाइम पीरियड डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस सेक्शन हियर. इसमें थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स, कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं कि प्लैनेटरी मोशन में याद रखिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, और जिस सिस्टम में भी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, उस सिस्टम में आई ओमेगा कांस्टेंट रहता है, आई इनटू ओमेगा कांस्टेंट रहता है. तो अगर आई बढ़ेगा, तो ओमेगा को कम होना पड़ेगा, अगर आई कम होगा, तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा. दिस इज अ कंसेप्चुअल थिंग अबाउट दिस. उसके बाद जो है, ये एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया. उसके बाद जो है टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो गया वो एक टाइप ऑफ कोलैप्सिंग ऑफ डिस्क. तो कोलेस करती है दो डिस्क, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे.
तो टू डिस्कस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एंड आई टू विद एंगुलर स्पीड्स ओमेगा वन एंड ओमेगा टू. दो डिस्कस है आपके पास जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एंड आई टू है और एंगुलर स्पीड्स ओमेगा वन ओमेगा टू आर रोटेटिंग अलॉन्ग द कोलिनियर एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. तो एक डिस्क ये है बच्चे और दूसरा डिस्क ये है और ये इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है. तो ये है तो फिर आपसे पूछा गया इफ द टू आर मेड टू रोटेट. अब ये दोनों जो है एक दूसरे के इसमें कंटेक्ट में आ गई आर मेड टू रोटेट टुगेदर अलॉन्ग द सेम एक्सिस. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आपको इस पूरे सिस्टम का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलना है. तो जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइज करेंगे तो एक पे भी फ्रिक्शन लगेगा, दूसरे पे भी फ्रिक्शन लगेगा, एक पे क्लॉकवाइज दूसरे पे एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगा. तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा, उसकी वजह से एक्सटर्नल टॉर्क जो है खत्म हो जाएगा. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मैं लिखूंगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई वन ओमेगा वन पहले डिस्क का प्लस दूसरे डिस्क का आई टू ओमेगा टू. फाइनल एंगुलर मोमेंटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एड होंगे आई वन प्लस I2, but final angular velocity हो जाएगा ओमेगा. तो ओमेगा किसके बराबर हुआ I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 divided by I1 plus I2. तो अगर वो हमसे final angular velocity पूछता तो आंसर ये होता, but हमसे वो पूछ रहा है final rotational kinetic energy. तो final rotational kinetic energy होता है बराबर half of I ओमेगा स्क्वायर. तो ये हो गया 1 by 2 I हो गया net moment of inertia that is पूरे system का I1 plus I2 multiplied by omega square मतलब इस पूरे का स्क्वायर. तो मैं लिखूंगा I1 ओमेगा 1 प्लस आई टू ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय आई 1 प्लस आई 2 का होल स्क्वायर. तो अब आप इसको सॉल्व करिए. देखिए एक आई 1 आई 2 जो है ये कट जाएगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का जो अब बच जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 इट इज आई 1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर या ऑप्शंस देख लीजिए. तो ऐसे ही रखिए इसको. तो इट इज 1 बाय 2 तो मैं लिख सकता हूं इट इज I1 omega 1 plus I2 omega 2 divided by I1 plus I2 ka whole square should be the right answer. Toh ab aap dekh lijiye 1 by 2. It is I1 omega 1 plus I2 omega 2 ka whole square divided by I1 plus I2. Option number 3rd is the right answer of this question. Option number 3rd. Yes, option number 3rd is the right answer of this question. तो ये हो गया law of conservation of angular momentum based question. ये भी law of conservation of angular momentum IIT में बहुत पहले पूछा गया और अब NEET में भी repeat होता है. तो आपसे पूछा गया smooth uniform rod of length L and mass M has two identical beads of negligible size each of mass M which can slide freely along the rod. Initially the two beads are at the center of the rod and the system is rotating with angular velocity ओमेगा नॉट. तो इनिशियली पूरा सिस्टम जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है इनिशियली और ये दो बीड जो है ये बिल्कुल इस एक्सिस के क्लोज है. फिर हमसे पूछा गया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड सी फिगर देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस. तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया व्हेन द बीड्स रीच द एंड्स. और जब रोटेट करते हुए ये बीड्स जो है अब एंड्स पे चली गई, जब ये एंड्स पे चली गई हमें पूछा गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो अब इस सिस्टम का होगा वो कितना होगा. तो चूंकि एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट है तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल. तो एल इनिशियल हो गया बराबर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, क्योंकि दोनों बीड्स जो है एक्सिस के नजदीक है तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं होगा. रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एमएल स्क्वायर बाय 12 और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज इक्वल. अब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml स्क्वायर बाय 12 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस अब एक बीड का मास स्मॉल m है और दूरी l बाय 2 है तो ये हो गया ml बाय 2 ml बाय 2 का स्क्वायर है ना mr स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई टू. सर टू से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर एक बीट का एम आर स्क्वायर हो गया तो दूसरे बीट का भी एम आर स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा. अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. तो आप पहली फुर्सत में इसमें से एल 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 स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर जो है वो निकाल दीजिए. फिर क्या बचा यहाँ पे, ये बचा एम बाई ट्वेल्व ओमेगा नॉट. एम बाई ट्वेल्व ओमेगा नॉट इज इक्वल, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो है यहाँ बचा आपके पास एम बाई ट्वेल्व, इट इज एम बाई ट्वेल्व एम बाई ट्वेल्व. और यहाँ बचा आपके पास प्लस ये हो गया बराबर इट इज एम बाई फोर और एम बाई टू. यहां बच्चा सिर्फ एम बाई टू और बाहर है ओमेगा. तो यहां पे अगर आप देखेंगे सिक्स एट ट्वेल्व एलसीएम आएगा तो बनेगा एम बाई ट्वेल्व ओमेगा नॉट इज इक्वल एम, ये स्मॉल एम है यहां पे, ठीक है ये स्मॉल एम है बिल्कुल. तो यह आ जाएगा 12, अगर हम एलसीएम लेंगे यहां पे तो ये बनेगा एम प्लस इट इज 6m इनटू ओमेगा ओमेगा. देखिए 12 12 कट जाएगा तो ओमेगा आपके पास आराम से आ गया m ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय इट इज m प्लस 6m शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो m ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय m प्लस 6m ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ रॉड का आएगा क्योंकि दो
फ्लूइड्स जो एक्सिस के नजदीक है इसलिए उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो मल्टीप्लाइड ओमेगा नॉट। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो है आपका दैट इज रॉड का एम एल स्क्वायर बाय 12 है, बट एक बीट का जो है आएगा क्योंकि वो यहाँ चला गया एम आर स्क्वायर के हिसाब से, और दूसरा बीट का मल्टीप्लाई एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगा। उसके बाद लास्ट हेडिंग है इसमें रोलिंग, ठीक है। रोलिंग इज अ कंसेप्ट जिसमें एक बॉडी में दोनों टाइप्स ऑफ मोशन साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होती है, एक ट्रांसलेशनल मोशन इट इज कॉल्ड एज प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, सो इट इज प्योर ट्रांसलेटरी, ठीक है, ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, और ये प्योर रोटेशनल मोशन है, प्योर रोटेशनल मोशन है, तो इट इज प्योर रोटेशनल मोशन। अगर आप देखोगे रोलिंग के अगर क्वेश्चंस पूछे जाए तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, बट वो आईआईटीज में पूछे जाते हैं, बट आपके नीट में वो लेवल पूछा जाता है जो मैंने इसमें डिस्कस किया है, और आपका क्वेश्चन 100% यहीं से आना चाहिए। तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो गया कि पूरी बॉडी ऐसे भाग रही तो हर एक पॉइंट का वही वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास का, अगर सेंटर ऑफ मास वी से भाग रहा है तो ये पॉइंट वी, ये पॉइंट वी, ये पॉइंट वी, ये पॉइंट वी, सब पॉइंट वी से भाग रहे हैं। प्योर रोटेशनल हो गया कि सिर्फ ये रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट का अगर वी है, इस पॉइंट का वी है, इस पॉइंट वी का वी है, तो इस पॉइंट का भी डेफिनेटली भी होगा, और ये पॉइंट भी यहां आगे भाग रहा है। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो इट्स कॉल्ड एज दैट रोटेशनल मोशन में अब दोनों चीजें आती है, ट्रांसलेशनल प्लस दिस दैट ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन दोनों मोशन में आ गई। बट अगर इसमें एक कंडीशन डेवलप ये हुई कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड अगर वो इमीडिएटली रेस्ट पे है, दैट इज रिलेटिवली एट रेस्ट, मतलब जो आगे वाली वेलोसिटी जो है ट्रांसलेशनल, वो अगर रोटेशनल वेलोसिटी जो आर ओमेगा के बराबर होता है, तो अगर वी ओमेगा आर ओमेगा के बराबर आता है तो ये कंडीशन बनती है रोलिंग की। तो रोलिंग वो कंडीशन होती है जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज रिलेटिवली एट रेस्ट, मतलब आगे वाली वेलोसिटी जो पीछे वाली वेलोसिटी को अगर न्यूट्रलाइज करती है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो रिलेटिवली एट रेस्ट पे आ जाता है, तो उस चीज को हम रोलिंग कहते हैं। और उस वक्त की कंडीशन होती है कि वी जो है वो आर ओमेगा के बराबर होता है, ये ए होता है बराबर आर अल्फा, दिस बिकम्स द कंडीशंस फॉर द रोलिंग टू टेक प्लेस। तो ये होता है रोलिंग का कंसेप्ट जिसमें बॉडी स्लाइड नहीं करती, रोल करती है, बट उसमें यही कंडीशन है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिलेटिवली एट रेस्ट होना चाहिए, आगे वाली वेलोसिटी पीछे वाली वेलोसिटी को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। तो अब इसमें जो है अब बॉडी जो है रोलिंग मोशन में है तो उसके पास दो इनर्जीज है, तो अगर बॉडी रोल कर रही है तो मतलब बॉडी में एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है और दूसरा इसमें आपका एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो इसमें आप डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी एक तो ट्रांसलेशनल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इसमें हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होगा, अगर इसका मास एम है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की अगर आप इसमें बात करें तो ये हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सर आपने यहां क्या लिखा है 1/2 दैट इज गामा mv square, ये हमें समझ नहीं आया। तो ट्रांसलेशनल में कोई तकलीफ नहीं है, हाफ ऑफ mv square, तो देख लीजिए आप ट्रांसलेशनल इज हाफ ऑफ mv square, रोटेशनल में आपने थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि हम सब जानते हैं रोटेशनल हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ये मेरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, इससे आपकी चीजें जो है वो आसान हो जाती है और न्यूमेरिकल लगना जो है वो आसान हो जाता है। सर कैसे, देख लीजिए आप, अगर आप देखोगे यहां पे आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस पे mr square होता है, डीसी का mr square by 2 होता है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr square होता है, हॉलो स्फीयर का 2/3 mr square होता है। तो ये जो फैक्टर आगे है जैसे रिंग में 1 है, डिस्क में 1/2 है, हॉलो स्फीयर में 2/3 है, सॉलिड स्फीयर में 2/5 है, वही हम एक्चुअली यहां मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं लिखता हूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो मैं लिखता हूं 1/2 गामा, गामा इज दैट फैक्टर जो उसको मल्टीप्लाई होता है, तो इफ दैट इज व्हाई यहां पे गामा आ गया आपका दैट इज आई एम आर स्क्वायर, तो आई इज एम आर स्क्वायर, फिर अगर रिंग है तो ये 1 है, अगर ये डिस्क है तो 1/2 है, अगर ये सॉलिड स्फीयर है 2/5, अगर हॉलो स्फीयर है 2/3, और ओमेगा स्क्वायर जो है तो ओमेगा स्क्वायर आप उधर ही रहने दो। तो आप जानते हो ना दैट यू नो that at pure ruling v is equal to omega r, jab ye v is equal to omega r ho gaya to ye ho gaya 1/2 gamma m r omega square, to omega square r square jo hai ab aapke v square ke barabar hua, to wahi maine likha hai that rotational kinetic energy jo hai aapka, rotational kinetic energy jo aapka 1/2 gamma m v square, most important formula, this is the most important formula, agar aap is format mein aap yaad karoge, aur ab aap yaad rakhenge sir ye gamma kya hai bacche, to maine piche padhaya tha ye gamma hota hai barabar k square r स्क्वायर, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk स्क्वायर के बराबर इक्वेट कर देते हो तो ये गामा होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और रिंग के केस में, रिंग के केस में ये गामा 1 बराबर होता है, आपके डिस्क के केस में ये जो गामा होता है ये 1/2 होता है, आपके सॉलिड स्फीयर के केस में ये 2/5 होता है, और आपके हॉलो स्फीयर के केस में ये 2/3 होता है। तो ये चीज आप याद रखिए, तो गामा जब भी आप देखोगे तो आपका रिंग है तो 1 है, डिस्क है 1/2 है, सॉलिड स्फीयर 2/5 है, जो उनके वो आगे कोएफिशिएंट्स और हॉलो
होल स्पीयर का 2/3 है। तो आपको सिर्फ ये आप इसमें इंट्रोड्यूस करिए, आपको रिंग का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, डिस्क का, हॉलो स्पीयर का, सॉलिड स्पीयर का, ये तरीका। अब सर अब बॉडी प्योर रोलिंग में है, रोलिंग में है तो उसके साथ तो दोनों एनर्जीज एसोसिएटेड होती है, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी, इसलिए इनको ऐड करेंगे। और जब ऐड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है आप इनका, तो वो होना चाहिए फिर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर जो आपका ट्रांसलेशनल है, प्लस हो गया ये हाफ ऑफ इट इज गामा एम वी स्क्वायर। हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बाहर आएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर बाहर आएगा और अंदर बचेगा 1 + γ, वही मैंने यहां पे लिखा है, इट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर 1 + γ। तो जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद रहती है टोटल काइनेटिक एनर्जी 1 + γ × 1/2 mv², उसके न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे, क्योंकि गामा रिंग के लिए भी जानता है, वो डिस्क के लिए भी जानता है, सॉलिड स्फीयर के लिए भी और हॉलो स्फीयर के लिए। और मैंने लिखा है कि गामा होता है k² / r² वाई k इज रेडियस ऑफ गायरेशन एंड r इज रेडियस ऑफ दैट स्फीयर का स्क्वायर। सो दिस इज अ फॉर्मूला सेट हियर। देन ये आप रोलिंग में, अब आप अगर रोलिंग में देखेंगे, रोलिंग में अगर आप देखेंगे, देख लीजिए बॉडी है आपके पास, रिंग है, तो रिंग का k² / r² 1 है, तो ये गामा जो है 1 है, ये गामा हो गया 1/2 डिस्क के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, हॉलो स्फीयर के लिए देख लीजिए आप 2/3, बहुत आसान है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबका हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हो गया, रोटेशनल हो गया बराबर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इंटू गामा, गामा गामा तो k² / r² आ गया आपके पास, टोटल हो गया 1/2 mv² 1 + γ, तो गामा k² / r² आ गया आपके पास। अगर फ्रैक्शन निकालना है टोटल का काइनेटिक में, इसी तरह फ्रैक्शन रोटेशनल का टोटल में, तो ये हो गया आपका एक पूरा चार्ट तैयार, जो आप जबानी आप कर सकते हो और बहुत आसान है। उसके बाद जो अब आपका दैट इज अब रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, अगर एक इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रोल करती है, अगर एक इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रोल करती है तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, इसकी लेंथ एस है और इस इंक्लाइन प्लेन की लेंथ एस है और हाइट एच है ग्राउंड से। तो अब आप देख लीजिए इसमें एक बॉडी जो है वो रोल कर रही है, अगर ये प्योर रोलिंग कर रही है तो इस पर लीनियर एक्सेलरेशन भी है और इस पर एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। तो अब आप याद रखिए जो ये लीनियर एक्सेलरेशन इसका होता है, ये होता है जी साइन थीटा / 1 + γ, कुछ और करने की जरूरत नहीं, हम डेराइव इसको क्लास 11th में करते हैं, बट एंट्रेंस में डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछा जाता है, या इस पे न्यूमेरिकल रखें, बट बिलीव मी ये फॉर्मूला ऐसे भी आपको जमान याद होना चाहिए। या आप कुछ बुक्स में देखोगे एक्सेलरेशन होता है लिखा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई इट इज 1 + यहां लिखा होगा k² / r², तो आप जो है k² / r² को मैंने पहले उड़ा दिया है, मैंने उसको गामा के बराबर कर दिया है, जहां पे ये गामा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने आपको याद करा दिया। इसी तरह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इस पे एक्ट करता है प्योर रोलिंग में, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट इज गामा एम जी साइन थीटा / 1 + γ, तो गामा एम जी साइन थीटा / 1 + γ, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स। फिर मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रोलिंग को जो है रोलिंग एग्जिस्ट करवाने के लिए कम से कम कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन का होना चाहिए, डायरेक्टली आस्क्ड ऑब्जेक्टिव पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इट इज गामा टैन थीटा / 1 + γ, तो थीटा आपको पता है इट इज गामा टैन थीटा / 1 + γ, तो यहां पे भी डिवाइड बाय 1 + γ, यहां पे भी डिवाइड बाय 1 + γ, यहां पे भी डिवाइड बाय 1 + γ, यहां जी साइन थीटा, यहां गामा टैन थीटा, ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी आपके न्यूमेरिकल से आसान हो जाएंगे। इसी तरह अब जब बॉडी यहां स्ट्राइक करेगी तो किस वेलोसिटी से, आप सीधे आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस यूज कर सकते हो, दैट v² - u² = 2as, तो फिर उस हिसाब से जो वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा इट इज रूट ऑफ 2gh, इट इज वेलोसिटी इज रूट ऑफ 2gh, ये हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट पे ना कि लेंथ पे, डिवाइड बाय 1 + γ, गामा इज अगेन k² / r². तो याद रखना अगर हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन में ये लेंथ डिफरेंट भी है बट हाइट सेम है और ऑब्जेक्ट इन्वॉल्वड सेम है, तो उनका वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक जो है सेम बनेगा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब अगर दो बॉडीज जिनका गामा सेम है तो गामा सेम है और फिर हाइट भी इंक्लाइन प्लेन की सेम है बट ये लेंथ डिफरेंट है, तो वो पूछेगा वेलोसिटी क्या है, तो बच्चा लेंथ के हिसाब से सोचेगा बट वो हाइट और गामा पे डिपेंड करता है, अगर वो सेम है तो वेलोसिटी सेम है, डेफिनेटली सेम रहेगा। इसी तरह फिर टाइम आप अगेन इक्वेशन s = ut + ½ at² से टाइम निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन से, और क्वेश्चन जो इसका टाइम पीरियड बन जाता है वो बनता है रूट ऑफ इट इज 2s, इट इज डिवाइडेड बाय इट इज जी साइन थीटा, देन इट इज 1 + γ, तो ये हो गया आपका और एक इक्वेशन। तो ये टाइम जो है ये लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन पे आप डिपेंड करता है जी साइन थीटा इंटू 1 + γ, तो अब देख लीजिए आप ये आपका टाइम पीरियड का इक्वेशन, अगर ये सेट ऑफ इक्वेशन, ये तो सबको याद होता है ये दो तीन इक्वेशन, अब मैंने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करके इसमें वेलोसिटी और टाइम पीरियड निकाल दिया, और अब यहां पे आप ये बोल सकते हो जिस बॉडी का गामा ज्यादा, जिस बॉडी का k² / r² जिस बॉडी का गामा ज्यादा उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा ग्राउंड को हिट करने में, जैसे रिंग का गामा 1 होता है, रिंग का गामा 1 होता है, डिस्क का 1/2.5 होता है, तो रिंग को ज्यादा टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में डिस्क से। इसी तरह सॉलिड स्फीयर का जो है वो कम होता है और हॉलो स्फीयर का जो है वो ज्यादा होता है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि किसको ज्यादा टाइम और किसको कम, क्योंकि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, तो जिसका गामा ज्यादा, सबसे ज्यादा गामा तो फिलहाल रिंग का है, तो सबसे जो लेट में जो पहुंचेगा, जिसको टाइम लगेगा नीचे इंक्लाइन प्लेन में आने पे, दैट इज अ रिंग, बिकॉज़ इट्स गामा इज मोर। तो अब जो है
अब इस पे कुछ क्वेश्चंस है. ए यूनिफॉर्म थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग इज रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30. तो एक इंक्लाइन प्लेन पे एक रिंग दिया गया है इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री पे रोल डाउन करके आ रहा है विदाउट स्लिपिंग. इट इज लीनियर एक्सेलरेशन अलॉन्ग द प्लेन इज, अब जिसको पता है इट इज जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस गामा. तो आप आराम से कर सकता है जी साइन थीटा, साइन थीटा होता है 1/2, तो इट जी बाई टू, इट इज 1 प्लस गामा, गामा होता है आपका रिंग का 1, तो इट इज जी बाई 4, ए इज इक्वल टू जी बाई 4 शुड बी द राइट आंसर. तो बिना किसी कैलकुलेशन के एक स्टेप है आपका आंसर आ चुका है, गामा आप जानते हैं, तो आपका रिंग का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन आ चुका है. सॉलिड स्फीयर एंड डिस्क ऑफ सेम मास एंड रेडियस, तो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर और डिस्क है सेम मास और रेडियस के, सेम मास और रेडियस के, सेम मास और रेडियस के सॉलिड स्फीयर और डिस्क है आपके पास रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन भी सेम है, फ्रॉम द सेम हाइट, हाइट भी सेम है. द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन इन द टू केसेस इज, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा, इट इज 1 प्लस गामा. तो अब मुझे बोलिए आप, जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बट दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक रिंग है और दूसरा डिस्क है, तो हमें उनका टाइम पीरियड रेशियो निकालना है. तो इंक्लाइन प्लेन सेम है, इंक्लिनेशन सेम है, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस गामा, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1 प्लस गामा. तो जब ये टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1 प्लस गामा, तो पहले आपका सॉलिड स्फीयर है, तो पहले आपका सॉलिड स्फीयर है और दूसरा आपका जो है डिस्क है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्क इज इक्वल, तो ये बनेगा रूट ऑफ गामा 1 प्लस गामा, 1 प्लस सॉलिड स्फीयर का होता है ये 2/5, सॉलिड स्फीयर का 2/5 और डिस्क का होता है ये 1/2. अब आप सॉल्व करिए, तो ये हो गया 5 × 5 प्लस 2, इट इज 7/5 डिवाइडेड बाय 2 × 2 प्लस 3 3/2, तो ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा इट इज 14 डिवाइडेड बाय 15, रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 15, रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 15 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चन किया जाता है. उसके बाद जो है फॉर्मूला पता थी तो आपने आराम से किया. डिस्क का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT में पूछा गया बहुत पहले. डिस्क का मास एंड रेडियस आर रोल्स ऑन एन हॉरिजॉन्टल सरफेस, रोल कर रहा है सेंट्रल सरफेस पे एंड देन रोल्स अप, तो यहां रोल करते करते आ गए और फिर इस पे रोल करना स्टार्ट हो गया. आप इंक्लाइन प्लेन एज शोन द फिगर, इफ द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क इज v, अगर इसका वेलोसिटी v है, द हाइट टू व्हिच द डिस्क विल राइज विल बी, तो चूंकि इसमें जो है कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है. तो इसमें जो है यहां जो काइनेटिक एनर्जी है वही यहां पे अपीयर हुई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास रोलिंग वाली है और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर 1 प्लस गामा, अभी मैंने पढ़ाया. और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो है, इज इक्वल काइनेटिक एनर्जी फाइनली स्टॉप हो गया और पोटेंशियल एनर्जी फाइनली mgh, h इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. तो गामा क्योंकि ये डिस्क है, डिस्क दिया गया है, तो मैं लिखूंगा 1/2 mv स्क्वायर, तो 1 प्लस गामा मींस डिस्क का 1/2 होता है, इज इक्वल mgh, तो mgh, m मैंने कैपिटल m डाल दिया यहां से, यहां से mm कट जाएगा, 2 × 2 प्लस 3, तो ये हो गया 3/4, ये हो गया 3/4, इट इज v स्क्वायर डिवाइडेड बाय g is equal to h, 3v² / 4g is the answer, 3v² / 4g is the answer of this question. तो ये है तरीका करने का इस question को. उसके बाद जो है आपका ये एक important question है, बहुत important question है, मैंने test series में भी बहुत बार ही रखा है. A mass m moves in a circle on a smooth horizontal plane. तो एक mass m horizontal plane में smooth horizontal plane पे move कर रहा with a velocity v naught and radius r naught. तो velocity v naught है और इसका radius r naught है. The mass is attached to a string. आपने इसको एक धागे से बांधा है, which passes through a hole in the plane as shown. तो ये एक धागे से बांध के आप नीचे से खींच रहे हो और ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है विद वेलोसिटी वी नॉट और रेडियस आर नॉट. द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली. आपने आप इसका टेंशन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या हुआ, ग्रेजुअली एंड फाइनली इट एम मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस. तो एम का रेडियस जो है वो कम हो गया, आर नॉट बाई 2 हो गया. द फाइनल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, द फाइनल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज, तो अब आप बोलो फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा. तो मुझे बोलिए आप, फाइनल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, द फाइनल एनर्जी ऑफ द वेलोसिटी. तो हम देख लेंगे आप इसका आंसर, हम कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा. तो मुझे बोलिए आप, देख लीजिए इसका कंसेप्ट ये है बच्चों, ये थर्ड जो है ये होल से पास हो रहा है, ये एक टेबल पे पहले m इसका मास है v नॉट और इसका रेडियस r नॉट है. आपने टेंशन बढ़ा दिया तो रेडियस कम हुआ, जब रेडियस कम हुआ तो आपको बोलना है अब नया क्या होगा इसमें वेलोसिटी, और इसी हिसाब से वेलोसिटी के हिसाब से बाकी चीजें. तो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछता तो हम बोलते हैं हाफ ऑफ mv नॉट स्क्वायर, बट अब जब रेडियस चेंज हुआ तो v नॉट पे क्या फर्क पड़ेगा,
बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, दिस इज मेक्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए, इसका एक ही कंसेप्ट है बच्चे, और वो कंसेप्ट ये है कि यहां पे जो टेंशन है वो रेडियली एक्ट करेगा, और जो रेडियल टेंशन होता है, जो रेडियल फोर्स होता है, वो टॉर्क नहीं प्रोवाइड करता है। तो टॉर्क इज इक्वल जीरो बिकॉज टेंशन हियर इज रेडियल, टेंशन हियर इज रेडियल, क्योंकि जो रेडियस से ही पास होगा वो कभी टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता, और जब टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया एम वी नॉट आर नॉट इज इक्वल फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया एम है, फिर वेलोसिटी जो है वो वी डैश होगी, और आर नॉट वो खुद बोलता है वो आधा हो गया, रेडियस आधा हो गया, तो एम एम कट जाएगा आपका, और आर नॉट भी कट जाएगा, वी डैश हो गया टू वी नॉट। जब फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर हो गया टू वी नॉट का स्क्वायर, तो ये हो गया फोर वी नॉट स्क्वायर, और टू से कट जाएगा, टू एम वी नॉट स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टू एम वी नॉट स्क्वायर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अ क्लास क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूर एंट्रेंस। थैंक यू सो मच, दिस कम्प्लीट्स योर लास्ट चैप्टर। तो ये आपका मेरे पास लास्ट चैप्टर बचा था आपके पूरे फिनिशिंग टच में, तकरीबन मैंने आपके साथ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट वन पार्ट टू, फिर कैपेसिटेंस, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, फिर मैग्नेटिज्म, फिर ईएम वेव्स, फिर ईएमआई, फिर एसी, फिर मॉडर्न फिजिक्स के दो पार्ट्स, फिर ग्रेविटेशन, फिर केटीजी, फिर थर्मोडाइनमिक्स, और फाइनली जो है आज मैंने आपका रोटेशनल मोशन भी कंप्लीट कर दिया। तकरीबन 13 से 14 वीडियोज़ है आपके जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और ये सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जिनमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं, थ्योरी से लेके, कंसेप्चुअल से लेके, न्यूमेरिकल से लेके, हर एक चीज आपके साथ जो है इन वीडियोस में डिस्कस की। अगर आप इस फाइनल स्टेज में इन वीडियोस का ये हेल्प लेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड, अदरवाइज भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह रहमान, बट मेहनत करनी पड़ेगी, हमने भी बहुत की, आपको भी करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।